आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की तो आप तो इंडियन रेलवे देखते ही होंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के अनसुनी फैक्ट के बारे में जो आपको हैरान कर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट तक और आप भी हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए जानते हैं उसके अनसुने फैक्ट। फैक्ट नंबर वन, इंडियन रेलवे में जब भी आप सफर करते होंगे आपने रेलवे इंजन के इस यूनिक कोड को तो देखा ही होगा। यह यूनिक कोड देख के आपको हमेशा से एक कंफ्यूजन तो रहता ही होगा। तो आज हम आपके कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और लेटर बाय लेटर हम इसको समझते हैं। तो हम बात करते हैं पहले अक्षर की। तो इंडियन रेलवे में आप ये जानते होंगे कि इंडियन रेलवे की लाइन जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है बड़ी लाइन, उसके बाद होती है छोटी लाइन और तीसरा होती है सक्रिय लाइन। इसको हम आम भाषा में यूज करते हैं। रेलवे की भाषा में अगर इसका नाम है तो इसको कहते हैं ब्रॉड गेज और इसको कहते हैं मीटर गेज और इसको कहते हैं नैरो गेज। यानी जो हमारी बड़ी लाइन होती है वो ब्रॉड गेज के नाम से जानी जाती है और हमारी जो छोटी लाइन होती है वो मीटर गेज के नाम से जानी जाती है। और क्या होता है, जो हमारी सक्रिय लाइन होती है वो नैरो गेज के नाम से जानी जाती है, जो कि पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर एफोर्ड किए जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारी ब्रॉड गेज होती है उसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है और जो हमारी मीटर गेज होती है उसको वाई से सूचित किया जाता है और जो हमारी नैरो गेज होती है जो कि पहाड़ी इलाकों में एफोर्ड किया जाता है उसको जेड से सूचित किया जाता है। अब हम बात करने वाली हैं कि सेकेंड लेटर के बारे में। तो सेकेंड लेटर हमको ये प्रदर्शित करता है कि हमारा जो लोकोमोटिव है वो किस पावर से चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो डीजल पावर से चल रहा है या फिर सप्लाई पावर से चल रहा है। तो अगर वहाँ पे डीजल पावर से चल रहा होगा तो वहाँ पे डी लिखा होगा, अगर वहाँ से सप्लाई के पावर से चल रहा होगा, एसी सप्लाई से चल रहा होगा तो वहाँ पे ए लिखा होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे लेटर के बारे में। जो आपको ये तीसरा लेटर दिख रहा होगा इससे यह पता चलता है कि हमारी इंजन है वो किस कैटेगरी की है। तो हम बात करते हैं, अगर आपकी इंजन में जो लोकोमोटिव की इंजन है उस पर अगर एम लिखा होता है तो इसी हमको ये पता चलता है कि ये जो हमारा इंजन है वो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों को ढोती रहती है। अगर हम हमारी इंजन पे जी लिखा होता है तो इससे यह पता चलता है कि ये जो हमारी इंजन होती है वो बस माल गाड़ी को ढोती है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट वाले डिजिट के बारे में। तो हमारी लास्ट वाली जो डिजिट होती है, मान जाइए अगर कोई लास्ट वाली डिजिट में 3D लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंजन है वो 3300 हॉर्स पावर का है। अब हम बात करने वाले हैं फैक्ट नंबर टू के बारे में। तो फैक्ट नंबर टू ये बताता है कि जो हमारे ये बफर लगे होते हैं ये क्यों लगे होते हैं। तो क्या होता है, जब भी क्या होता है, हमारे जो ड्राइवर होते हैं रेलवे के, लोकोमोटिव के ड्राइवर होते हैं, वो अगर ब्रेक मारते हैं जिससे कि कम ज़्यादा झटका ना लगे तो इस झटके को कम करने के लिए इसमें ये बफर लगाए जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी हो गई होगी तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादातर शेयर करें। धन्यवाद।